Good morning, guys. Good morning from Delhi. अभी मैं हूँ कुसुम्बी नगर और टाइम हुआ है इट्स 2:45 सुबह का और आज का हमारा प्लान है दिल्ली से जम्मू की तरफ जाने के लिए और जो राइड होने वाला है ऑलमोस्ट 600 किलोमीटर का, अगर जल्दी हुआ तो श्रीनगर तक जाएंगे। और हम लोगों का बाइक उधर रखा है, नेक्स्ट जो फ्लैग लगा है वो मेरा है, ऑलमोस्ट पैक हो गया है और एक स्क्रैम है और ट्रायम्फ इस तरफ है। तो अभी सिचुएशन कुछ इस टाइप का, इधर पे सुबह का 2:46, तो अभी आपको मिलते हैं बाइक के सेटअप पर। सो गाइस, वी आर रेडी टू मूव फ्रॉम दिल्ली। बाइक का सारा लगेज लग गया है, बाइकर्स भी रेडी हो गया, अब निकलते हैं। जाओ, एंड टाइम राइट नाउ एग्जैक्टली इट्स 3:24 को निकलने से फ़ायदा ये है कि ट्रैफिक कम मिलेगा। So, om mani padme hum. So let's begin our ride. Now it's 4:18. We are 12 kilometers away from Sonipat or Panipat, which is probably 57 to 60 kilometers. We are on Delhi Panipat Expressway. और सुबह सुबह चलने का यही फायदा है कि ट्रैफिक थोड़ा कम रहता है और जल्दी कवर कर पाता है मार्केट एरिया में। लेकिन डिसएडवांटेज है कि अगर आपको भूख लग गया तो फिर खाने का ऑप्शन बहुत कम रहेगा, रेस्टोरेंट अभी खुला नहीं रहेगा, तो वही प्रॉब्लम है। अभी तो अंधेरा ही है, तो थोड़ी देर बाद जब उजाला होगा तब मिलते हैं फिर से। बारिश हो रहा है इसलिए आपने बाइक इधर लगा दिया है, तो थोड़ा बारिश रुकने के बाद ही यहाँ से चलेंगे। अभी बारिश रुकने का नाम नहीं ले रहा तो डिस्टेंस को कवर करना ही है, इसलिए निकल रहा है इधर से। हाँ, डाल रहे पानी बो पानी।
9:30 हो गया और हम लोग पहुंच गए अम्बाला। और यहाँ दोस्त का टायर पंक्चर हो गया, अभी थोड़ा आधा घंटा जैसा अम्बाला में रुकना पड़ेगा। अब दोस्त वही है, सैड है, उधर पीछे का टायर पंक्चर हो गया, उसका तीन टायर है स्पैन। मेरा भी आगे का ट्यूब भी है, पीछे का ट्यूब लेके तो अभी मिस्त्री का वेट करेंगे, टायर रिपेयर करेंगे, उसके बाद ही कंटिन्यू होगा जर्नी। अभी टाइम हुआ है 9:58 और आधा घंटे से हम लोग इधर वेट कर रहे हैं, तो अभी टेक्नीशियन आया है और काम हो जाएगा बोल रहा है, और काम होने के बाद ही निकलेंगे। तो लगभग आधा घंटा हम लोगों ने वेट किया इसी जगह पे अम्बाला के गेट में। मज़ा आ गया भाई वेट करने में, लोग मज़े ले रहे हैं दोस्तों में वेट करने से। और बारिश भी कंटिन्यू ही हो रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। टाइम अभी हुआ है 11:32 11:32 तो दो घंटे जैसा हम लोग इधर रुकना पड़ा। अब निकलने का टाइम आएगा, टायर ऑल सेट है, तो वो निकलते ही देखो। अभी 6 घंटा 40 मिनट का रास्ता जाना है, टोटल डिस्टेंस 364 और जम्मू जा रहा हूँ मैं। तो आज का डेस्टिनेशन जम्मू है, अभी दिन भी अच्छा है, तो सारा जूता सुखा दिया है, सभी लोग रेन गियर्स उतार दिया, जूता ड्राई करेंगे, जूस पी के थोड़ा आगे जाएंगे। आगे कहाँ पर होगा, लंच करेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करेंगे। टाइम ऑलमोस्ट 2 बजने वाला है और यहाँ से अभी जूस का ब्रेक भी ले लिया और 363 किलोमीटर अभी हमें जाना है, 6 घंटे 40 मिनट्स 6 आवर्स एंड 40 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। तो अब रास्ते में एक बार लंच ब्रेक लेंगे, उसके बाद फिर कंटिन्यू करना है। अभी मैं 100 का स्पीड मेंटेन करके जा रहा हूँ लुधियाना 70 किलोमीटर्स। सुबह भाप बहुत ही बारिश हो रहा था, निकले तो होटल से अराउंड 3:15 या 3:30 को निकला था, लेकिन बारिश होने के कारण और टायर पंक्चर होने के कारण ऑलमोस्ट 3 घंटा जैसा हमारा खर्चा हो गया, उधर ही वेस्ट हो गया। वरना इस टाइम तक 60% रास्ता हम कंप्लीट कर लेता। अभी अच्छा है दिन, जितना हो सके उतना डिस्टेंस कवर करने का ट्राई करेंगे। और सीधा लाइट लंच टाइम पे मिलेंगे। तो अभी टाइम हुआ है 3:15 और अपना बाइक यहाँ पर पार्किंग कर लिया, लंच के लिए रुका हूँ इधर। और यहाँ से अभी 272 किलोमीटर जाना है वैष्णो दावा पंजाब में, हम लोग नोला लोदावन क्रॉस कर लिया। तो अभी जस्ट होटल से निकला हूँ, खाना वाना खा लिया
और टाइम अभी बच गया है 4:48। डिस्टेंस टू कवर 269 किलोमीटर। और गूगल बोल रहा है, गूगल के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा 5 घंटा 7 मिनट। और हम लोग मेंटेन कर रहे हैं एवरेज स्पीड 80 का, तो देखते हैं कितना टाइम लगता है। और अभी फिर से रेनकोट पहनना पड़ेगा और कैमरा को अंदर डालना पड़ेगा। आज सुबह से लेके शाम तक बारिश ही बारिश मिल रहा है हम लोगों को, थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है भाई। बारिश कुछ ज़्यादा ही हो रहा है इधर, तो लगता है कि अब तो रेनकोट पहनना ही पड़ेगा। China? Pardon, hello, eh? रोकेको हो त यो कसरी रोक्यो त? अघि मैले साइन देखाउँदा त पछाडि हिँड्नु पर्छ नि। अब नेक्स्ट पेट्रोल पम्पमा लाउनु होइन, ए त्यसो पनि थाम्छ। अभी रिस्क नै लेंगे, अपने क्यामेराको अन्डर डाल देता हूँ मैं। अभी 205 किलोमीटर और चलना है और टाइम अभी हुआ है 5:36। तो हम रात को 7-9 बजे ही पहुंचेंगे जम्मू, रात को ही पहुंचेंगे जम्मू कश्मीर। और अभी हम है श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे, श्रीनगर कन्याकुमारी हाईवे पे चल रहा है। शायद ये हाईवे डायरेक्ट जम्मू तक कनेक्ट करेगा। टाइम इज 6:30 एंड स्टिल 139 किलोमीटर्स टू गो। और मेरा लेफ्ट साइड में अच्छा सा सनसेट हो रहा है, बहुत ही बढ़िया दिख रहा है सनसेट। छोटा छोटा हिल्स देखना शुरू हो गया। और यहाँ पर थोड़ा ठंड भी है, थोड़ा ठंडा होना भी शुरू हो गया और छोटा छोटा हिल्स देखना भी। और अभी अपहिल चढ़ाई भी शुरू हो गया। पहाड़ों वाला रास्ता शुरू हो गया। लगता है कि पठानकोट पहुंच गए हम लोग, मैप में देखना पड़ेगा, पता नहीं कौन सा प्लेस है ये। जम्मू एक 110 किलोमीटर है अभी भी जाने के लिए, लेकिन मैप में दिखा रहा है 118। और मैं भी दिस इज पठानकोट मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ही लग रहा है कि ये पठानकोट है। अभी जस्ट पठानकोट से निकला हूँ, पठानकोट में थोड़ा बैठ के चाय वाय पिया, थोड़ा रेस्ट किया। और अभी 7:48 टाइम हुआ है, 2 घंटे 2 hours and 43 minutes ट्रैवल करना है 108 किलोमीटर। और रात हो गया है काफ़ी,
अब ये बाइक स्टॉप होगा सीधा होटल पे, 108 ट्रैवल करने के बाद ही बाइक स्टॉप होगा। तो सर गलती कर दी, ये जो लास्ट का 100 किलोमीटर का पैच जो है हमें लगा है 4 लेन रास्ता होगा, अच्छा होगा, लेकिन इस पैच में मैक्सिमम कंस्ट्रक्शन चल रहा है और सिर्फ 2 लेन कर दिया है। रास्ता का कंडीशन भी बहुत ख़राब था तो इसलिए बहुत टाइम लग रहा है इसमें। और अभी टाइम 9 बज गए और डिस्टेंस अभी भी कवर करना है 51 किलोमीटर। और दुख की बात यह है कि अभी इंटरनेट भी नहीं है, मोबाइल नेटवर्क भी नहीं है, और मैं सिम कार्ड यूज़ करता हूँ एयरटेल का। जम्मू 51 किलोमीटर, नो इंटरनेट, नो नेटवर्क। और ये है अपना रूम, 2 डबल बेड है और 2 वॉशरूम, यहाँ पर भी है, ये भी है। और आज के इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप लोग अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।